हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत 11 मार्च 2024 में इंडिया द्वारा अग्नि 5 का एक सफल परीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत अग्नि 5 मिसाइल को मिर्व यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स के साथ टेस्ट किया गया। तो ये एक सफल परीक्षण था, जो इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स से इनको ट्रैक किया गया और जो मिशन ऑब्जेक्टिव था इसे सक्सेसफुल यहाँ पर बताया गया। तो टेक्निकली ज़्यादा डिटेल में चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई गई प्रेस रिलीज में, पर ऐसा मानकर चला जाता है कि यहाँ हो सकता है 3 से 6 मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स को टेस्ट किया गया हो। ऑल दो पास्ट में ये चीज़ भी कई बार मेंशन करी गई है कि अग्नि 5 10 से 12 मिर्फ को कैरी करने में सक्षम होगी। तो अभी यहाँ पर जो मिर्फ टेस्ट किए गए हैं इनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कितने टन की यील्ड के हैं, ये भी मेंशन नहीं किया गया है। खैर, सीक्रेसी यहाँ पर बेनिफिशियल होती है, तो ये सीक्रेट रहे इसमें फ़ायदा ही है। तो ये अग्नि 5 का आप तीसरा आइट्रेशन कह सकते हैं। जो दूसरा आइट्रेशन था इसमें कंपोजिट मटेरियल्स की मात्रा को बढ़ाया गया है और मिसाइल का जो ओवरऑल वेट है इसको कम किया गया है। करीबन 20% लाइटर वेट की ये मिसाइल हो गई थी, जिसकी वजह से ये मानकर चला जा रहा था कि यहाँ पर जो रेंज है ये एक्सटेंड हुई है और 7000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्स रेंज आपको इन मिसाइल से मिल पाएगी। वहीं पर इनिशियली ये मिसाइल्स मैराजिंग स्टील को यूज़ करती थी, जिसकी वजह से वजन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा था। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि अग्नि प्राइम के साथ भी मिर्व के इंटीग्रेशन की बात कही जाती है, जहाँ पर ये मानकर चला जा रहा है कि करीबन 2 मिर्व वॉरहेड अग्नि प्राइम भी कैरी करने में सक्षम है। पर प्राइमरी वेपन के तौर पर अग्नि प्राइम मार्व वॉरहेड को कैरी करेगी, जहाँ पर मार्व का मतलब है मनोरेबल री एंट्री व्हीकल। तो इस टेस्ट के बाद इंडिया दुनिया की तीसरी ऐसी कंट्री बन गई है जिसके पास लैंड बेस्ड मिर्व वॉरहेड कैरी करने की क्षमता वाली ICBMs हैं। और ये हम रशिया और चाइना के बाद हैं, US यहाँ पर नहीं है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बार मिर्व वॉरहेड का जो डिप्लॉयमेंट है ये US द्वारा ही किया गया था 1970s में। इन्होंने मिनटमैन 3 ICBM डिप्लॉय करी थी, जहां पर 3 मिर्व वॉरहेड यूज होते थे। तो उस समय पहली बार W-62 Mark 12 वॉरहेड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 170 किलोटन TNT ब्लास्ट शील्ड के साथ आते थे। और इन्होंने W-56 वॉरहेड को रिप्लेस किया था, जो कि 1.2 मेगाटन TNT ब्लास्ट शील्ड के साथ आते थे। तो यहां पर वॉरहेड साइज में रिडक्शन हुआ था, लेकिन वॉरहेड की अमाउंट जो है ये बढ़ गई थी। फिर 1970s के ख़त्म होते होते नए वॉरहेड को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि W-78 वॉरहेड थे, जिनकी ब्लास्ट यील्ड जो है ये W-62 की दुगनी थी, जो कि 335 से 350 किलोटन TNT की बताई जाती है। तो अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही हो तो क्लैरिटी के लिए हम बता दें कि 1 टन TNT में करीबन 4.184 GJ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या फिर सिंपली आप इसको 4.184 × 10⁻⁹ जूल्स कह सकते हैं। तो 1 किलोटन में 4.184 × 10⁻½ जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर जो W-62 वॉरहेड थे ये इसका 170 टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस करने में सक्षम है एक वॉरहेड से। वहीं पर बाद में जो W-78 यूज़ हुए ये इसका 350 टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस करने में सक्षम है एक वॉरहेड से। और एक मिसाइल ऐसे 3 वॉरहेड्स मिनिमम कैरी करती थी। तो एक मिसाइल से ही कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो मिनटमैन मिसाइल थी ये भी 3 स्टेज के मिसाइल्स थी और मैक्सिमम 14,000 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम थी। तो ये जो मिर्व वॉरहेड है इनको बनाया इसलिए जाता है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के अगेंस्ट में। और रशिया द्वारा कोल्ड वॉर के टाइम पर ऐसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स बनाई जा रही थी, जिसके अगेंस्ट में मिनटमैन 3 को बनाया गया US द्वारा। और इसके अगेंस्ट में फिर रशिया ने भी मिर्व वॉरहेड को इंट्रोड्यूस कराया अपने R-36 रॉकेट के साथ, जिसको वेस्ट में इनिशियली SS-9 स्कार्प कहा गया। और ये करीबन 10 मिर्व वॉरहेड कैरी करने में सक्षम थी, क्योंकि यहाँ पर थ्रो वेट ज़्यादा था इन मिसाइल्स का अमेरिकन मिसाइल्स के मुकाबले। इवन जो लेटेस्ट वर्जन है, जो अगेन रिटायरमेंट की कगार पर ही हैं, जिनको R-36M या फिर SS-18 सेडन कहा जाता है, ये भी 10 के अराउंड मिर्व वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। और यहाँ पर आपको 16,000 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो ये काफ़ी हैवी मिसाइल्स हैं, ऑलमोस्ट 200 टन की हैं। इसके कंपैरिजन में हमारी जो अग्नि मिसाइल है ये अराउंड 50 टन के अप्रॉक्स वेट करती हैं। तो US द्वारा भी प्रोग्रेस करी गई, नई नई मिसाइल्स इंट्रोड्यूस करी गई।
फाइनली जो ट्राइडेंट टू मिसाइल्स थी जो कि आज भी इस्तेमाल में है, ये W88 मेर वॉरहेड को यूज़ करती थी और एक बार में 8 ऐसे वॉरहेड कैरी करने में सक्षम थी। और एक वॉरहेड जो है ये 450 किलोटन TNT ब्लास्ट शील्ड के साथ आता था, तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक मिसाइल थी। इवन आज भी माना जाता है कि ट्राइडेंट 2 के साथ ये मेर वॉरहेड कैरी किए जाते हैं, पर ट्राइडेंट 2 मिसाइल जो है ये सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है। लैंड बेस्ड मिसाइल की बात करें तो मिनटमैन 3 आज भी सर्विस में है, लेकिन इनके मिर वॉरहेड को रिप्लेस किया जा रहा है सिंगल वॉरहेड से, क्योंकि US न्यू स्टार्ट ट्रीटी से कम्प्लाई कर रहा है और मिर्फ के यूसेज को कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से US लैंड बेस्ड मिर्फ कैपेबल ICBM मिसाइल्स को ऑपरेट नहीं करता और उस लिस्ट का पार्ट नहीं है। इंडिया तीसरी कंट्री है जो कि लैंड बेस्ड मिर्फ ICBM को यूज़ करती है, पहली रशिया और चाइना है। रशिया द्वारा भी अब R-36 मिसाइल से आगे बढ़ा जा रहा है और रशिया ने नई RS-28 सरमत मिसाइल इंट्रोड्यूस करी है, जो अगेन 200 टन के अप्रॉक्स वेट करती है और ये भी 10 के अप्रॉक्स मिर वॉरहेड कैरी कर सकती है। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी फायर करने में सक्षम है, जो कि न्यूक्लियर हो सकते हैं। और रशिया पहली कंट्री है जिसने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इन सर्विस इंडक्ट किया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो RS-28 है ये एक बार में 24 एवेंगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को फायर करने में सक्षम है। तो मिर्फ के बाद जो अगली स्टेज है ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ही है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से री एंट्री करते हैं और मनवरेबल होते हैं, तो इनको इंटरसेप्ट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और क्योंकि RS-28 सरमत का जो थ्रो वेट है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए ये भी मल्टीपल एवेंगार्ड को एक बार में कैरी कर सकती हैं। बाकी अगर मिर वॉरहेड की ही बात करें तो ये जो R-36M मिसाइल्स हैं और RS-28 सरमत है, ये जो मिर वॉरहेड कैरी करती हैं, इनके लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक वॉरहेड का जो ब्लास्ट यील्ड है ये 550 से 750 किलोटन TNT के अप्रॉक्स हो सकता है, जो कि इन्हें अमेरिकन मिर्फ से ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। वहीं पर बात करें अगर हम चाइना की, तो चाइना के पास जो Agni-5 का इक्विवेलेंट है, इसे DF-31 कहा जाता है। ये मिसाइल 2006 से ही सर्विस में है और करीबन 54 टन की मिसाइल है। और इसके लिए कहा जाता है कि ये 5 के अप्रॉक्स मिर वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है, जहां पर ब्लास्ट यील्ड 90 से 400 किलोटन TNT की हो सकती है। क्लैरिटी यहां पर नहीं है। इस मिसाइल की रेंज इनिशियल वर्जन्स में 8000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती थी, जो कि बाद के वर्जन में 13000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जा रही है। बाकी जो हैवी ICBM चाइना द्वारा इस्तेमाल करी जाती है, ये एक 80 टन की मिसाइल है, इसे DF-41 कहा जाता है। ये मिसाइल अप्रॉक्सीमेट 10 के अराउंड मिर वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है, लेकिन वहाँ पर जो वॉरहेड की यील्ड होगी ये 150 किलो टन के अप्रॉक्स की होगी। और वहीं पर इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर के आसपास की है। इस मिसाइल के लिए आप कह सकते हैं कि ये US को दिमाग में रखकर बनाई गई है और ये पुराने DF-5 मिसाइल्स को रिप्लेस करेंगी। वहीं पर अगर हम बात करें इंडियन मिर वॉरहेड के ब्लास्ट यील्ड की, तो यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है जैसा कि हमने बताया, लेकिन इंडिया द्वारा पोखरण 2 में 200 किलोटन TNT ब्लास्ट यील्ड को टेस्ट किया गया था, जहाँ पर 5 में से जो पहला टेस्ट है ये थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का ही था। ऑल द 200 किलोटन की ब्लास्ट यील्ड को टेस्ट नहीं किया गया था, पर सिमुलेटेड नंबर्स थे जो कि ये प्रूव करते हैं कि हम इतनी कैपेबिलिटी पजेस करते हैं। खैर ये बात हम आपको बता दें कि 200 किलोटन की जो ब्लास्ट यील्ड है ये भी मोर देन एनफ है। तो इस कैपेबिलिटी के आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा, जैसा कि रशिया द्वारा एवेंगार्ड डिप्लॉय किए जा रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।